सो आपको भी एक स्मार्ट वॉच चाहिए राउंड डायल में ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ, लेकिन आपका बजट है 1500 के अंदर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो अभी जो ये हमारे पास स्मार्ट वॉच है नॉइस फ्यूज स्मार्ट वॉच एंड कंप्लीट इसी की जो है आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। ऑल्सो इस वीडियो में हम कॉलिंग टेस्ट भी करने वाले हैं, कॉलिंग एक्सपीरियंस इसका कैसा होने वाला है। तो चलिए फटाफट हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट देख सकते हो बॉक्स का पैकेजिंग कंप्लीट कुछ इस तरीके का हमें देखने के लिए मिल जाता है। एंड फाइनली चलिए फटाफट हम बॉक्स को ओपन करते हैं। सो कुछ इस तरीके से बॉक्स को हम ओपन करते हैं। ओपन करते ही सबसे ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं एंड यहाँ पे एक हमें छोटा सा बॉक्स देखने के लिए मिलता है। इसको हम ओपन करते हैं एंड इसको ओपन करते ही यहाँ पे हमें एक यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाता है, एक वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड देखने के लिए मिल जाता है एंड यहाँ पे एक स्टिकर देखने के लिए मिल जाता है नॉइस की तरफ से। फाइनली आगे बॉक्स में बात करें तो यहाँ पे हमारा स्मार्ट वॉच है, तो स्मार्ट वॉच को हम यहाँ से निकाल लेते हैं एंड फिलहाल के लिए स्मार्ट वॉच को रखते हैं साइड में। इसी के साथ अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पे एक हमें बॉक्स के अंदर चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाता है जिसका यूज करके आप स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो। चलिए फाइनली आते हैं स्मार्ट वॉच पे एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन की। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 22 mm का सिलिकॉन स्ट्रैप्स देखने के लिए मिल जाता है। स्ट्रैप्स के ऊपर देख सकते हैं टेक्सचर डिजाइन दिया गया है जो कि देखने में स्ट्रैप्स को और काफी अच्छा बनाता है। यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट आपको काफी अच्छे क्वालिटी का स्ट्रैप्स देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट बकल स्ट्रैप्स देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल स्ट्रैप्स की क्वालिटी काफी अच्छा है एंड चेंजेबल स्ट्रैप्स है ये, तो आफ्टर मार्केट आप बाय करके स्ट्रैप्स को आप चेंज भी कर सकते हो। बात करें इसकी डायल की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे जो फिनिश दिया गया है कंप्लीट यहाँ पे मेटेलिक फिनिश दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो मेटेरियल यूज किया गया है वो है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मटेरियल का कंप्लीट यूज किया गया है एंड बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल काफी अच्छा है। एंड साइड में यहाँ पे आपको एक मल्टीफंक्शन बटन देखने के लिए मिल जाता है। बैक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग का पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है एंड कुछ सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ओवरऑल देख सकते हो स्मार्ट वॉच का कंप्लीट बिल्ड एंड डिजाइन, सो बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में स्मार्ट वॉच काफी अच्छा है। चलिए फाइनली आते हैं इसके डिस्प्ले पे, तो यहाँ पे आपको एक 1.38 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले जो है देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको 550 nits का जो है ब्राइटनेस भी देखने के लिए मिलता है। वहीं बात करें अगर आप डिस्प्ले पे कुछ इस तरीके से प्रेस करके रखते हो देन कुछ वॉच फेसेस जो है आप वॉच से ही चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, बाकी इसके ऐप से कस्टमाइज करके वहां पे आपको 100 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि अलग अलग तरीके के आप सेट कर सकते हो। ऑल्सो बात करें तो इसमें आपको वॉच फेसेस कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो कि कोई भी आप गैलरी से फोटो वगैरह वॉच पे सेट कर सकते हो इसके ऐप के जरिए, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। अगर मैं कोई भी फोटो सेट कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से वॉच में शो हो रहा है एंड अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो स्क्रीन जो है कंप्लीट ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अगर मैं वहीं कोई और वॉच फेसेस स्विच कर देता हूँ तो वो सही से शो हो रहा है। सो वॉच फेसेस कस्टमाइजेशन का ये इशू जो है मैं फेस कर रहा हूँ इस स्मार्ट वॉच में। कोई भी फोटो अगर गैलरी से मैं सेट करता हूँ तो स्क्रीन कंप्लीट जो है ब्लैक ब्लैक हो जाता है एंड इस स्मार्ट वॉच को मैंने रिप्लेसमेंट में डाला हुआ है, तो रिप्लेस होकर जो स्मार्ट वॉच आएगा उसमें भी ये सेम इशू आता है या फिर उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, उस चीज को मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार अपडेट कर दूंगा, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। सो चलिए एक बार पहन के दिखा दूं कंप्लीट इन हैंड फिट एंड इन हैंड लुक कैसा है। सो देख सकते हो पहनने के बाद कंप्लीट कुछ इस तरीके का लुक आता है एंड लुक के मामले में यहाँ पे काफी अच्छा है। जो डिजाइन है शेफ्स का वो और काफी अच्छा यहाँ पे लुक देता है एंड ओवरऑल देख सकते हो पहनने में भी काफी अच्छा लगता है। फिट जो है वो काफी कंफर्टेबल है, स्ट्रैप्स का क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, तो पहनने के बाद कोई भी इरिटेटिंग जैसा फील नहीं होता है। सो ओवरऑल यहाँ पे फिट एंड लुक जो है स्मार्ट वॉच का काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट वॉच के और फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप स्लाइड डाउन करते हो देन जो भी नोटिफिकेशन वगैरह रिसीव होगा व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम वो यहाँ से रिसीव कर पाओगे, यहाँ पे जो है कंप्लीट मैसेजेस वगैरह देख पाओगे। वहीं बात करें अगर आप स्लाइड राइट करते हो तो यहाँ से आप स्लिप मॉनिटरिंग का यूज कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग का यूज कर सकते हो, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का फीचर देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग का भी फीचर आप यूज कर सकते हो। इसी के साथ बात करें अगर हम स्लाइड अप करते हैं देन यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज वगैरह देख सकते हो, यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, फाइंड माई फोन ऑल्सो पावर सेविंग मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से आप सेटिंग में भी जा सकते हो, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ से भी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, रिंग एंड वाइब्रेशन एडजस्ट कर सकते हो,
राइज टू वेक फीचर का जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से ब्राइट स्क्रीन टाइम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो स्क्रीन टाइम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कितने सेकंड बाद जो है डिस्प्ले ऑफ होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे ऑलवेज ब्राइट का एक ऑप्शन है सबसे लास्ट में, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो, इस पे अगर आप सेट कर देते हो देन आपके स्मार्ट वॉच का जो स्क्रीन है वो हमेशा ऑन रहेगा। सो इसको आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एज ए यूज कर सकते हो। इसी के साथ बात करें तो यहाँ पे आपको डीएनडी मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से मेन्यू व्यू चेंज कर सकते हो। ऑल्सो बात करें तो यहाँ से ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो। अबाउट कॉल्स में जाके कॉलिंग फीचर्स कैसे यूज करने हैं उसके बारे में देख सकते हो। डिवाइस इन्फो में जाके आप स्मार्ट वॉच के बारे में देख सकते हो। क्यूआर कोड पे क्लिक करके एंड क्यूआर कोड को स्कैन करके इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिससे स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करके कंप्लीट यूज करना है। यहाँ से रिबूट कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो, ऑल्सो रीसेट कर सकते हो। अब बात करें मेनू कैसे ओपन होगा, तो जो साइड वाला बटन है अगर आप इसको एक बार प्रेस करोगे तो मेनू ओपन हो जाएगा। मेनू में यहाँ पे नॉइस हेल्थ में जाके आप हेल्थ रिलेटेड फीचर्स का यूज कर सकते हो। नॉइस बज करके एक ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो कॉलिंग फीचर्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि जो भी कॉन्टेक्ट इसके ऐप से सेट कर दोगे वो यहाँ से देख सकते हो, डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से कॉल भी कर सकते हो, यहाँ से कॉल हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो कंप्लीट। इसी के साथ बात करते हो यहाँ से डायरेक्ट डायल करके कॉल भी कर सकते हो। बात करें कॉलिंग फीचर्स की, तो कॉल अगर आता है तो कॉल को आप म्यूट कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे क्विक रिप्लाई का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है, स्मार्ट वॉच से ही आप क्विक रिप्लाई कर सकते हो एंड इसके ऐप से क्विक रिप्लाई को कस्टमाइज भी कर सकते हो। ऑल्सो रिजेक्ट कर सकते हो एंड रिसीव करके स्मार्ट वॉच से बात भी कर सकते हो। एंड आगे हम लाइव कॉलिंग टेस्ट भी करने वाले हैं तो उस पार्ट को भी आप जरूर देखिएगा। साथ ही बात करें अगर आप क्लॉक वाले ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ से अलार्म सेट कर सकते हो, टाइमर का यूज कर सकते हो, स्टॉप वॉच का यूज कर सकते हो, वॉल क्लॉक भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। वर्कआउट में जाके यहाँ से स्पोर्ट्स मोड का यूज कर सकते हो, अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से आप स्पोर्ट्स रिकॉर्ड देख सकते हो, यहाँ से जो भी रिमाइंडर सेट कर दोगे वो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से म्यूजिक कंट्रोल का भी यूज कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे वेदर अपडेट का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है, तो आप अपने शहर, आप अपने सिटी का वेदर जो है यहाँ से इजिली व्यू कर सकते हो। साथ ही बात करते हो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का भी फीचर देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। हालांकि जो नंबर्स है काफी छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी आप इसका छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। साथ ही बात करते हो वॉच फेसेस यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से फ्लैश लाइट जो है ऑन ऑफ कर सकते हो एंड यहाँ से भी जो आप सेटिंग्स में जा सकते हो। सो चलिए अब लाइव कॉलिंग टेस्ट करते हैं इसके स्पीकर एंड माइक का क्वालिटी कैसा देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कॉल आ गया है, कॉल को यहाँ से हम रिसीव करते हैं। हेलो हेलो, हाँ कहाँ पे है? घर पे हूँ, तू बता क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बैठा हूँ। अच्छा, मेरा वॉइस कैसा जा रहा है? बढ़िया एकदम। अच्छा, कट कट के रुक रुक के तो नहीं जा रहा है ना? नहीं नहीं, रुक रुक के नहीं आ रहा है। अच्छा, उधर का भी वॉइस सही आ रहा है, चल ठीक है। हाँ। सो आपने देखा लाइव कॉलिंग टेस्ट, बात करूँ तो इसकी स्पीकर एंड माइक का क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। एंड अगर आपको कोई स्मार्ट वॉच चाहिए खास करके कॉलिंग के लिए, तो कॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेस्ट देखने के लिए मिलता है। अब बात करें तो ये स्मार्ट वॉच है तो कहीं ना कहीं आप इसको वर्कआउट करते समय, जिम वगैरह में या फिर कोई ऐसा एक्टिविटी जिसमें पानी या पसीने से खतरा हो, तो उसके लिए यहाँ पे आपको IP68 का वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। तो आप बिल्कुल इसको हैंड वॉश करते समय या फिर बारिश वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर हल्का फुल्का पानी में आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, 1 मीटर से ज्यादा पानी के अंदर नहीं डालना है एंड 30 मिनट से ज्यादा पानी में यूज नहीं करना है। बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे आपको अराउंड 7 डेज का जो है बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग का यूज करते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन का ही बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी यूज करते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 1 दिन का बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगा। ऑल्सो बात करें तो ये नॉइस फिट करके ऐप है जिसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एंड इसी से जो है स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करके कंप्लीट एक एक फीचर्स यूज कर सकते हैं एंड कस्टमाइज कर सकते हैं। सो अब बात करें इस स्मार्ट वॉच को बाय करना चाहिए या नहीं, खरीदना चाहिए या नहीं। सो एक जो प्रॉब्लम आ रहा है कस्टमाइज वॉच फेसेस का, उसका तो मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। लेकिन बात करूं इसके प्राइस के हिसाब से, जो ये स्मार्ट वॉच है काफी बेस्ट है, खास करके जो इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस है काफी अच्छा मुझे देखने के लिए मिला। तो आप बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से फॉलो करके मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।